नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों के लिए और जो ज्योतिष शुरुआती लेवल से सीख रहे हैं उनके लिए यह चीज़ आवश्यक होती है कि वे ज्योतिष में जो फंडामेंटल्स हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आज यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं और शुरुआत से ही सीखना चाहते हैं। तो कैसे आप ज्योतिष में एक्सपर्ट हो सकते हैं, इसी के बारे में आज का ये मैं पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा ज्योतिष की। देखिए, ज्योतिष में हमें क्या क्या चाहिए जिसमें हम एक्सपर्ट हो जाएं तो ज्योतिष के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। पहली चीज़, जो ज्योतिष में कुंडली आप बनाते हैं उसमें भाव होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और राशियां होती हैं और राशि के बारे में चर्चा करेंगे, और नवग्रह होते हैं। इसी तीनों चीज़ों पर आपको कमांड करना होता है। भाव, राशि और ग्रह, कुंडली का प्रारूप आपने देखा ही होगा, एक मैं प्रारूप बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ भाव के बारे में, फिर राशि के बारे में और फिर ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझते रहिए। देखिए, ऐसी होती है कुंडली, प्रारूप कोई भी हो लगभग ऐसे ही होगा, और हर कुंडली में कितने घर होते हैं, 12। इसी भाव को क्या बोला जाता है, घर। चाहे भाव बोलिए चाहे घर बोलिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो कुंडली में 12 घर हो गए ये, ठीक है। और राशियां कितनी होती हैं, 12, क्योंकि 12 घर हैं और हर एक घर को एक एक राशि मिलती है, तो इसलिए 12 राशि भी हुई। और ग्रह कितने होते हैं, कुल मिला के 9, ये आपको बेसिक में याद होना चाहिए। 12 भाव, 12 राशि और 9 घर। अभी हम भाव के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये होती है कुंडली आपकी। इसमें देखिए, ये जो पूरी कुंडली है इसमें 4 घर, एक यह, ये और ये, देखिए बीच में पड़ते हैं, और ये जो है किनारे वाले, इनका बॉर्डर जो है साइड से टच हो रहा है, बाहर को टच हो रहा, लेकिन इसका बॉर्डर बाहर से टच नहीं हो रहा है। यानी ये जो 4 घर होते हैं बीच के, ये जो होते हैं कुंडली के केंद्र स्थान होते हैं। आपको याद करना पड़ेगा कि कुंडली में किस भाव को क्या कहा जाता है। जब भी आपके सामने कोई भी कुंडली आएगी, जो ऊपर का जो पहला भाव होता है, पहला घर, जो ऊपर का पहला चतुर्भुज है, हमेशा शुरुआत यहीं से होगी, पहला घर हमेशा यही होगा। ये दूसरा घर होगा इसके बगल में, इसी क्रम में आपको बढ़ना है। ये कौन सा घर होगा, ये तीसरा घर होगा, ये आपका चौथा घर होगा, फोर्थ हाउस, ये आपका पांचवा होगा, ये आपका छठा होगा। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि बुद्धिमान वही है और ज्योतिषी वही बन सकता है जो यह, जब आपके अंदर यह चीज़ आ गई, ये तो मुझे पता है, मुझे पता है, पूरा देखिए। बीच में कुछ कुछ बातें ऐसी पता चलेंगी जो आपको नहीं पता है या नई आपके लिए रहेंगी। ये छठा भाव होगा, ये सातवां भाव होगा, सप्तम भाव बोलेंगे, ये आठवां भाव होगा, संस्कृत में भी इन सब का नाम आपको याद रखना चाहिए, ये नौवां घर, और ये दसम भाव होगा, ये क्या होगा, ग्यारहवां घर होगा, और ये जो है सबसे लास्ट में जो होगा ये 12वां घर होगा। याद रखिएगा, पहला घर हमेशा यही होगा,
सबकी कुंडली में पहला घर यही होगा, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और दसवां घर, ये जो होता है कुंडली में इसी को केंद्र स्थान बोलते हैं। ज्योतिष में प्रेडिक्शन करते समय बताते समय बोला जाता है ना कि आपका यह ग्रह केंद्र में है, बृहस्पति अगर केंद्र में हो, मंगल अगर केंद्र में हो, तो केंद्र का मतलब हो गया कि इन्हीं चारों भावों में से किसी भाव में होगा, तो इसी को केंद्र बोला जाता है। दूसरा जो सबसे खास टर्म होता है जिसका प्रयोग बहुत होता है वो होता है त्रिकोण। केंद्र के बाद में त्रिकोण शब्द का बहुत प्रयोग होता है। जो कुंडली का पहला भाव है ये त्रिकोण में आएगा, पंचम भाव त्रिकोण में आएगा और नवम भाव जो होता है ये त्रिकोण की संज्ञा में आता है। ये आपके त्रिकोण हो गए। अब इसमें जो लग्न है पहला घर है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों में आ जाता है। पहला घर जो है ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। केंद्र और त्रिकोण दोनों होने के नाते यह घर सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शुभ हो जाता है, क्योंकि यह केंद्र भी है त्रिकोण भी है यानी दोनों में शामिल है, तो इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण घर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा भाव कुंडली के कितने भाव हैं, किस भाव को क्या कहते हैं। इसको प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, संस्कृत में चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, इस प्रकार से इनका नाम है। अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी जो ज्योतिष शुरू से सीख रहे हैं उनकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ, और आपको इस पे प्रैक्टिस भी दूंगा, प्रैक्टिस भी करने के लिए बोलूँगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। देखिए एक कुंडली हम बना लेते हैं और उसमें ग्रह और राशियों को भर देते हैं। यह एक कुंडली बन रही है। अभी मैं आपसे सवाल करूंगा और आप इन सब में जवाब देंगे, और जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या आता है। चलिए मैं एक कुंडली, डेमो कुंडली बना लेता हूं। अभी सवाल मैं आपसे करूंगा और आप इन सारी चीज़ों का जवाब देंगे। ये हो गया एक डेमो। अब इसमें हम ग्रहों को रख लेते हैं। गुरु को रख लिए, राहु हो गया, केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र। कोई ग्रह छूट रहा हो तो उसको भी कहीं भी लिख दीजिए, सिर्फ समझने के लिए एक उदाहरण लेना है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल हो गया, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सारे ग्रह हो गए। अब इस कुंडली में चलिए आप सवाल का जवाब दीजिए, और जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है वह यह, इस कुंडली में जो है पहला घर कौन सा है, जो ज्योतिष शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए है। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, जो हमारे प्राथमिक स्टूडेंट होते हैं जब कुंडली सामने आती है उनसे पूछा जाता है पहला घर कौन सा है, तो वो ये देखने लगते हैं कि जहाँ एक नंबर की गिनती लिखी है वो पहला घर है। पूछा गया पहला घर कहाँ है ये बता दिए, जबकि ये गलत है। अब दिमाग में क्या आप रख लीजिए कि ये कुंडली में हमेशा पहला घर यही होगा, सबकी कुंडली में हमेशा पहला घर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अभी जो मैंने आपको बताया उसी क्रम में। ये जो गिनतियाँ लिखी हुई हैं ये घर नहीं हैं, ये जो गिनती लिखी गई है ये राशियों की पहचान है। ये क्या है, राशियाँ। कितनी राशियां होती हैं, 12। पहली राशि कौन सी है ध्यान से समझिए, पहली राशि मेष होती है। इसे आपको इन राशियों को इसी क्रम में याद करना पड़ेगा, उल्टा सीधा याद करने से काम नहीं चलेगा। पहले मेष, वृष, मिथुन, कर्क, फिर उसके बाद कौन सी राशि आएगी, सिंह, फिर उसके बाद कौन सी राशि, कन्या, फिर उसके बाद तुला, वृश्चिक। अच्छा, आपने कभी भी कोई भी कुंडली देखी होगी तो किसी भी कुंडली में ये सब नहीं लिखा रहता है,
कि मेष राशि क्या है, कन्या राशि क्या है, ये सब नहीं लिखा रहता है। वृश्चिक के बाद में कौन सी राशि आ जाएगी, धनु राशि आ जाएगी, धनु के बाद मकर, ये 12 राशियां आप लोग उतार लीजिए, डायरी पे उतारते रहिए, कुंभ और आखिरी राशि क्या होती है, मीन होती है। ये 12 राशियां हैं हमारी, इसको इसी क्रम में याद करना है, ऐसे नहीं याद करना कि पहले मेष हो गया फिर मिथुन कन्या, चाहे जैसे नहीं, उंगलियों पर याद करना और क्रम से याद करना, चार चार राशि याद करिए, याद हो जाएगा। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अब आप इस कुंडली को देखिए, क्या बताइए इसमें कहीं मेष वृष मिथुन कुछ लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, तो यानी इस कुंडली में राशि नहीं है, है। देखिए ये जो एक नंबर की गिनती होती है ये मेष राशि का प्रतीक है, यानी कुंडली में राशियों का नाम लिखने के बजाय उनकी क्रम संख्या को लिख दिया जाता है। जैसे जब आप स्कूलिंग करते थे तो हाइड्रोजन पढ़ाया जाता था तो आपको हाइड्रोजन ना लिखना पड़े, उसके लिए क्या दे दिया जाता था कि हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, यच, ऑक्सीजन क्या है, वो, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन लिखने के बजाय आप क्या लिख देते थे, वो, इसी प्रकार से मेष लिखने के बजाय क्या लिख दिया जाता है, एक, जहां वृष लिखना होगा वहां क्या लिख दिया जाएगा, दो, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4, सिंह के लिए 5, कन्या के लिए 6, तुला के लिए 7, वृश्चिक के लिए 8, धनु के लिए 9, मकर के लिए 10, कुंभ के लिए 11 और मीन के लिए 12 नंबर की गिनती लिखी जाती है। यानी ये जो गिनतियाँ लिखी जाती हैं ये भाव नहीं है, ये राशि हैं। और जब आपको ये राशि याद होगा और ये पता होगा कि किस राशि का क्रम कौन सा है, किस राशि के स्थान पे कौन सी गिनती लिखी जाती है, तब आपको ये चार्ट समझ में आएगा। शुरुआती स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी में होती है कि वे भाव और राशि याद तो रखेंगे दिमाग में लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। अब इसी पे मैं आपको एक एक्सरसाइज करा देता हूं और ताकि अभी ये आपके पूरे दिमाग में बैठ जाए। पहली चीज़ तो ये कुंडली के 12 भाव हमेशा फिक्स होंगे, इसे बदलना नहीं है। हर कुंडली में पहला यही, चौथा यही, सातवां यही, दसवां यही, ये फिक्स है। लेकिन ये जो गिनतियाँ लिखी गई हैं ये फिक्स नहीं रहेंगी, कि सबकी कुंडली में पहले घर में 8 नंबर ही लिखा हो, ये फिक्स नहीं रहेगा। हाँ, 12 राशियां हैं यानी 1 से 12 तक हैं, तो जो भी गिनती रहेगी किसी भी घर में वह 1 से 12 के बीच में ही रहेगी, कभी 13 नहीं हो सकता, कभी 18 नहीं हो सकता है। तो अलग अलग कुंडलियों में 1 से 12 के बीच में अलग अलग घरों में गिनतियां रहेंगी, और जो गिनती है उसकी राशि को आपको जानना है। कि जैसे यहां पे 5 नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब ये पांचवा घर नहीं बल्कि ये क्या है, 10वां घर है, और 10वें घर में सिंह राशि है। यहाँ पे क्या लिखा है, 11 नंबर, तो ये घर कौन सा है, 1, 2, 3, 4 चौथा घर है, और 11 नंबर मतलब क्या होता है, कुंभ, यानी 11वां राशि यानी कुंभ राशि पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी है, चौथे घर में पड़ी हुई है। अब इसी से संबंधित मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाऊँगा, एक कुंडली आपके सामने होगी और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको याद भी कर लेना है कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, और राशियों का क्रम, राशियों की नंबरिंग, ये सब आपको याद करना है। नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिली भी हैं, तो उस हिसाब से आप देख करके यह कोर्स पूरा बेसिक लेवल से कंप्लीट कर सकते हैं। जिनका बेसिक कंप्लीट हो और एडवांस पे आगे बढ़ें। देखिए मैं फिर से शुरू से लिखूंगा, फिर आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। मेष मतलब 1, वृष मतलब 2, मिथुन मतलब 3। हमारा उद्देश्य है कि जिनको ज्योतिष नहीं आती है प्रारंभिक रूप से, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए हम कोर्स तैयार करें और फिर एडवांस लेवल तक और कुंडली विश्लेषण तक लेकर के चलें। सिंह मतलब 5 हो गया, कन्या मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तुला 7, वृश्चिक 8। वृश्चिक राशि को कुंडली में कैसे प्रदर्शित करते हैं, 8 नंबर से। धनु राशि को कुंडली में कैसे प्रदर्शित करते हैं, जहां धनु लिखना होता है वहां क्या लिख देते हैं, 9। जहां मकर राशि लिखना होता है वहां क्या लिख देते हैं, 10।
जहाँ कुंभ लिखना होता है वहाँ कुंभ लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं, 11। जहाँ मीन लिखना होता है मीन लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, 12। अब एक छोटी सी कुंडली बनाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने का तरीका सिखाएंगे। ये एक छोटी सी कुंडली है, इसमें हम सारे ग्रहों का प्लेसमेंट रखेंगे और फिर जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब यहाँ पे जो प्रैक्टिस आपको करना है ग्रहों को भी मैं भर देता हूँ। मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध और शुक्र। ये एक कुंडली कंप्लीट हो गई। इसमें आपको क्या करना है, एक ऐसे टेबल मैं बना रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। भाव, ग्रह, राशि, ऐसे दो तीन कुंडलियाँ आप अपने हिसाब से बनाइए, इंटरनेट से एप्लीकेशन पे खोलिए और जो जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना। पहला, दूसरा, यानी पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 12वें भाव तक जाएंगे, 10वां भाव, यानी पूरा आपको लिखना है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसे आप लिखेंगे, आ जाइए कुंडली, जो कुंडली आपके सम्मुख है उसमें पहला भाव कौन सा है ये बताइए। पहला भाव हमेशा यही होगा। अब पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसको लिखिए, कोई नहीं। पहले भाव में कौन सी राशि है, 4 नंबर है। 4 मतलब क्या होता है, कर्क, यानी पहले भाव में कौन सी राशि है, कर्क। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। यह उनके लिए है जो बहुत बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है, 10 कुंडलियों पे ऐसे करना है। 10 कुंडली बनाइए और हर भाव को पहले आगे लिख दीजिए, फिर उस भाव में स्थित ग्रह और उस भाव में स्थित राशि को आपको लिखना है। दूसरा भाव कौन सा है, यहाँ पे दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है, यहाँ पर दूसरे भाव में ग्रह बैठा हुआ है। दूसरे भाव में कौन सा ग्रह है, केतु है। दूसरे भाव में कौन सी राशि है, 5 नंबर, यानी सिंह। ऐसे जब आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, देख देख करके लिखेंगे तो भी याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसको आपको किसी प्रकार से याद कर लिए तो आपका काम चल जाएगा। ये इस तरीके से याद होना चाहिए कि आपसे पूछा जाए 12 नंबर मीन, 8 नंबर वृश्चिक, ये नहीं सोचना पड़े, तब आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। जब आपको राशि और ग्राही सोचना पड़ेगा तब आप सूत्र कहाँ से सोच पाएंगे। तो इसलिए ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मानिए गुरु की बात माननी चाहिए, जिससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसकी बात माननी चाहिए। 10 में से 8 लोग क्या होते हैं कि वो ऊपरी ऊपरी पढ़ना चाहते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता चल गया कि हाँ गिनती मतलब राशि है तो दिमाग में रख लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको तो देख के भी बोला जा सकता है, तो देख के तो बोल सकते हैं लेकिन ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे, प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी प्रैक्टिस करिए। 10 में से 2 लोग सिर्फ एक्सपर्ट हो पाते हैं क्योंकि वो बेसिक चीज़ों पर कमांड कर लेते हैं। मैं कमांड की बात कर रहा हूँ, बार बार याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं है कौन सा भाव है, गिनती मतलब राशि है, कौन सी गिनती किस राशि की है, तो आपका कमांड नहीं है। इधर पूछा जाए उधर आपके मुंह से निकले उसको कमांड बोलते हैं। कमांड नहीं कर सकते तो ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे। दूसरे भाव में केतु हो गया, सिंह राशि हो गया। तीसरा भाव जो है यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, कोई नहीं है, छोड़ देंगे। तीसरे भाव में 6 नंबर मतलब कन्या राशि है, ऐसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से 4थे 5वें में बढ़िए, सब भाव में बढ़िए। मैं 10वें का एक उदाहरण देता हूँ, 10वें घर में ग्रह कौन से बैठे हुए हैं, सूर्य, 10वां घर यही है। अब अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, अब 10वां घर मतलब ये नहीं कि जहां 10 नंबर लिखा, 10वां घर हमेशा यही होगा। 10 नंबर लिखा है यानी ये 10वीं राशि है ना कि 10वां घर। तो 10वें घर पे आ जाइए, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य बैठा है। 10वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, दूसरा गुरु बैठा है। 10वें घर में 1 नंबर है, 1 नंबर मतलब क्या होता है, मेष। इसी प्रकार से कम 10 पेज पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इससे तो एक तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपका ध्यान इस पे नहीं जाएगा कि हाँ 7 नंबर लिखा है तो ये तुला राशि है, इस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। और दूसरा, किस गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है, ये भी आपको याद होने लगेगा।
यह बात आपको समझ में आ गई होगी। जो बेसिक तकलीफ आती है स्टूडेंट्स को, उसकी चर्चा मैंने यहाँ पे की है। अब दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। एक तो 12 भाव आपको पता चल गया, जो कि कुंडली में हमेशा क्या है, फिक्स। दूसरा आपको 12 राशियां पता चल गईं और हर राशि के लिए कौन सी गिनती होती है ये आपको पता चल गया। ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब इसके आगे क्या होता है, भाव में मैंने आपको केंद्र भी बता दिया, त्रिकोण भी बता दिया। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब आपको और अधिक जानकारी मिलेगी कि त्रिष्टाय किसे कहते हैं, दुख स्थान किसे कहते हैं, उपचय किसे कहते हैं, ये सब आगे के। अभी जितना बताया जा रहा उसी क्रम में आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो बताया जा रहा उससे ज़्यादा पता है तो आप ये सोचिए कि हाँ यहाँ ये चीज़ छूटी हुई है। पूरा कोर्स जब आप कंप्लीट करेंगे तो मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो हमने अभी यहाँ पर बात कर ली, ग्रह के बारे में बात करना है, भाव के बारे में बात करना है और राशि के बारे में बात करना है। तो राशि और भाव का किस प्रकार से तारतम्य होगा वह मैंने आपको बताया। अभी मैं भाव के बारे में आपको थोड़ी जनरल एनालिसिस और देना चाहता हूँ कि जो मुख्य रूप से भावों से विचार होता है वह चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुंडली का जो सबसे पहला घर होता है, जो सबसे ऊपर का घर होता है, जिसे पहला केंद्र भी कहते हैं और पहला त्रिकोण भी कहते हैं, इसको लग्न भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, लग्न बोला जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो 12 भाव हैं या 12 राशियाँ हैं या जो नवग्रह हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ चीज़ें विचार होती हैं, उन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति का हृदय रोग है तो व्यक्ति जाएगा हृदय रोग के डॉक्टर के पास में, व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएगा। तो ऐसे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विवाह है, संतान है, कैरियर है, तो हर चीज़ के लिए कुंडली में अलग अलग डॉक्टर बैठाए गए हैं। कितने भाव बैठाए गए हैं, 12 भाव बैठाए गए हैं, 12 स्थान हैं कि अगर आपको ये तकलीफ़ है तो आप इस जगह पर जाइए, ये तकलीफ़ है तो इनसे संपर्क करिए। ऐसे हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं उन सब के लिए कितने स्थान फिक्स हैं, 12 स्थान फिक्स हैं कि हाँ ये बीमारी है तो जिला अस्पताल, ये बीमारी है तो जाना है मेडिकल कॉलेज, ये बीमारी है तो अपोलो, ऐसे ऐसे 12 स्थान बताए गए हैं। और ऐसे 12 भाव हैं और 12 राशियां हैं। जो ये पहला भाव होता है ये हम स्वयं होते हैं, कुंडली का पहला भाव जो होता है हम स्वयं होते हैं, ये हमारा शरीर होता है। जो मोटे मोटे तौर पे विचार होता है मैं वो बता रहा हूँ। लग्न से किस चीज़ का विचार होता है, शरीर। शरीर में सब कुछ आ गया, आप कैसे हैं, क्या हैं, अंदर से बाहर से, वो सब क्या आ जाता है लग्न में। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी लग्न को तनु भाव भी बोला जाता है, यानी पहले घर से किस चीज़ का विचार होगा, आपके स्वयं का, और दूसरी भाव से क्या विचार होगा, मुख्य रूप से धन का विचार होता है। और भी बहुत चीज़ों का विचार होता है जो आप आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी मोटा मोटी मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसी के लिए ये चीज़ लिख रहा हूँ। लग्न से शरीर का विचार, द्वितीय भाव से धन का विचार, तृतीय भाव से व्यक्ति की क्षमता का विचार, व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है, और चतुर्थ भाव से सुख का विचार, यानी इसको सुख भाव भी कहते हैं। सुख में भूमि, भवन, वाहन, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। मुख्य रूप से भूमि, भवन और वाहन, जीवन की लग्जरी का विचार इस भाव से होगा, यानी इसको सुख भाव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संतान भाव बोलते हैं। एक एक शब्द में अगर भावों को याद करना हो तो ये हो गया लग्न यानी शरीर। लग्न और शरीर दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दूसरे भाव धन, तीसरा भाव पराक्रम या क्षमता, चौथा सुख, पांचवा संतान और छठा रोग। रोग भाव बोलते हैं छठे को, रोग ऋण शत्रु। सप्तम भाव होता है जीवन साथी, अगर स्त्री है तो पति के लिए और अगर पुरुष है तो पत्नी का भाव। अष्टम भाव किसको बोलते हैं, आयु भाव या मृत्यु भाव। नवम भाव को क्या बोला जाता है, भाग्य भाव। दसम भाव को क्या बोला जाता है, कर्म। एकादश को क्या बोला जाता है, लाभ। और 12 को क्या बोला जाता है, व्यय भाव। ये मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए कि किस भाव का क्या नाम है,
ये भावों के नाम है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। पहला भाव मतलब लग्न यानी शरीर, दूसरा मतलब धन, तीसरा क्षमता या पराक्रम, चौथा सुख, पांचवा संतान, छठा रोग, ऋण शत्रु, सातवां जीवन साथी यानी कि पार्टनर, और आठवां आयु, नौवां भाग्य, दसम कर्म, लाभ व्यय। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर आप इस कुंडली में धन देख रहे हैं, मान लीजिए धन आ रहा है, धन जा रहा है, धन का लाभ है, धन की हानि है, तो इस धन के लाभ हानि व्यय आदि का प्रभाव किस पर पड़ेगा? जिसकी कुंडली होगी उस पर पड़ेगा। और ये कुंडली होती किसकी है? लग्न की, क्योंकि जिसकी कुंडली है वह स्वयं कहाँ से विचार होगा? लगन से। यानी लग्न जो है ये धन भाव का फल लेगा। धन का अच्छा होना, बुरा होना, मिलना, खोना, सबका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? जिसकी कुंडली है उसके ऊपर, यानी उसी के शरीर पर। अगर ये क्षमता, परिश्रम करने की क्षमता, पराक्रम, मेहनत, स्वभाव, ये सब किसके ऊपर लागू होगा? क्षमता होगी तो किसके अंदर होगी? इसी शरीर के अंदर। यानी द्वितीय भाव अपना फल किसे देगा? लग्न को, शरीर को। तृतीय भाव अपना फल किसे देगा? लग्न को। सुख साधन, भूमि भवन, वाहन का उपभोग कौन करेगा? लग्न करेगा, शरीर करेगा। संतान का सुख किसको मिलेगा? लग्न को। संतान होगी तो किसके होगी? लग्न के होगी। रोग ऋण शत्रु होगा तो किसके होगा? लग्न को, यानी शरीर को, जिसकी कुंडली है उसको। और जिसकी कुंडली है वह कौन सा भाव है? लग्न भाव है, पहला घर है। जीवन साथी मिलेगा, पति पत्नी, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष मिलेगा, तो ये किसको मिलेगा? लग्न को। आयु खत्म होगी तो किसकी खत्म होगी? लग्न को। भाग्य साथ देगा, नहीं देगा, किसका? उसी स्वयं के व्यक्ति का। कर्म यानी नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, तो ये नौकरी से होने वाला लाभ हानि, नौकरी करेगा कि बिजनेस, ये सब करेगा कौन? रिजल्ट किसको मिलना है? प्रथम भाव को, लग्न को, क्योंकि ये क्या है? आपका शरीर है। किसी चीज का लाभ, इच्छा पूर्ति होगी तो किसकी होगी? लग्न की। व्यय खर्चा होगा तो किसका होगा? लग्न का। यानी कुंडली में लग्न एक ऐसा भाव है जो अन्य सभी भावों के फल को लेता है और सभी दूसरे भाव देते हैं। ये सब देने वाले हैं और ये लेने वाला है। डाउट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर एक चीज और मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इस माध्यम से, कि लग्न का महत्व कितना है। इसीलिए लग्न को केंद्र में भी जोड़ा गया और त्रिकोण में भी जोड़ा गया। उसकी प्लेसमेंट ही ऐसी है कि वह लग्न और त्रिकोण, लग्न जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों में आ गया। लग्न लेता है और सभी भाव देते हैं। अब मान लीजिए जो लेने वाला है, कोई व्यक्ति है जो लेने वाला है, उसके पास में एक पात्र है, बर्तन है, वह अपना बर्तन फैलाए हुए खड़ा हुआ है, इतना बड़ा उसका बर्तन है, ठीक है, और एक व्यक्ति उसे दे रहा है। देने वाला जो है वह जो है इधर से दे रहा है इतने बड़े बर्तन से। ये देने वाला है, ये लेने वाला है, ये लग्न है और ये दूसरे भाव हैं। अब ये जो दूसरे भाव दे रहे हैं इतने बड़े पात्र में दे रहा है और इसका पात्र क्या है? छोटा। तो देने वाला ज़्यादा दे रहा है लेकिन इसका पात्र छोटा है, इसलिए इसको मिलेगा कितना? कम मिलेगा। कितना मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि इसका पात्र या तो भर जाएगा या तो ऊपर से फ्लो हो जाएगा। यानी ये जो लेने वाला है ये कौन है? लग्न। यानी लग्न जितना मजबूत होगा, लग्न जितना ही मजबूत होगा, दूसरे भाव का फल उतना ही अधिक ये ले पाएगा। ये मजबूत हो, स्वस्थ हो, बड़ा हो, यहाँ पर बड़ा से मतलब वही स्वस्थ है। इसका पात्र जो है लग्न अगर छोटा है, छोटे का मतलब उसमें बल नहीं है, लग्न में खराब ग्रह बैठा है पहले भाव में, उसका स्वामी कमजोर है, तो अन्य भाव भले ही मजबूत रहे, धन देने वाला, गाड़ी देने वाला, संतान देने वाला, बिजनेस देने वाला, ये सब अच्छे हो, लेकिन अगर लग्न कमजोर पड़ गया तो वह पूरा रिजल्ट नहीं ले पाता है। तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि सभी 12 भावों में सबसे इंपॉर्टेंट भाव कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न है, क्योंकि लग्न क्या है? रिसीवर है।
लग्न क्या है? रिसीव करेगा सभी भावों का फल, और अन्य दूसरे भाव क्या है? सप्लायर है। तो अगर रिसीवर कमजोर होगा तो सप्लायर मजबूत होने का लाभ अधिक नहीं मिलेगा, जबकि रिसीवर और सप्लायर दोनों मजबूत हों तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा याद रखिएगा कि लग्न सबसे पहले नंबर पे आपको कुंडली में विचार करना है। अगर लग्न बलवान है, व्यक्ति की कुंडली में राजयोग खूब अच्छे अच्छे आपने बताए, लेकिन अगर लग्न बलवान नहीं है तो उन राजयोगों का प्रभाव घट जाएगा, पूरा असर नहीं हो पाएगा। ये आपको समझ में आ गई होगी बात, और किस भाव को मुख्य रूप से कैसे विचारा जाता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। राशियों के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी है कि राशि जो है गिनती से प्रदर्शित की जाती है, किस गिनती से कौन सी राशि। ग्रह के बारे में अभी मैं थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहता हूं। 9 ग्रह हैं। पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य। दूसरा ग्रह कौन सा है? चंद्र। तीसरा ग्रह कौन सा है? मंगल। और चौथा ग्रह कौन सा होगा? बुध। फिर इसके बाद गुरु, शुक्र, शनि, और दो छाया ग्रहों को लिया गया है, राहु और केतु को। राहु केतु कोई वास्तविक पिंड नहीं है, ये परछाई होते हैं। ये इतने ग्रह हम वैदिक ज्योतिष में लेते हैं। इसमें जो सूर्य होता है ये ग्रहों में राजा है, क्योंकि इसी से सभी प्रकाशित हैं, इसी से ऊर्जा पाते हैं, तो सूर्य को राजा की दर्जा मिली हुई है। हर एक ग्रह का जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, वह ग्रह उसी अनुसार से फल देता है। जैसे अगर आप कमरे में सफ़ेद लाइट लगाएंगे तो रोशनी सफ़ेद रहेगी, लाल कलर का होगा उसका कांच तो लाल रंग की रोशनी आएगी, क्योंकि वो उसका स्वभाव वैसे ही बना हुआ है। हर ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार ही रिजल्ट देता है। तो सूर्य राजा हो गया, चंद्रमा उसका उपराजा या रानी मान सकते हैं, और मंगल सेनापति है, बुध युवराज है, गुरु सलाहकार है, शुक्र लग्जरी है, शनि सेवक है, राहु और केतु भ्रम है। भ्रम ऐसे याद रखना है या परछाई है। अब यहां पे देखिए हमारे पास कितने ग्रह हुए? 9। 9 ग्रहों में राहु और केतु छाया है, परछाई है, और परछाई का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। जैसे आप धूप में खड़े होंगे तो आपकी परछाई बनेगी, तो परछाई का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो परछाई के अस्तित्व की बात को आपको छोड़ देना है। यानी कि राहु और केतु जो हैं ये दो ग्रह, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। शेष हमारे पास इन राहु केतु को छोड़ने के बाद में कितने ग्रह बच जाते हैं? 7। और हमारे पास राशियां कितनी हैं? 12। तो हर ग्रह जो है राशियों का स्वामी होता है, और हर राशि कहाँ पड़ती है? किसी न किसी भाव में पड़ेगी कुंडली में। तो जिस ग्रह की राशि जिस भाव में पड़ती है वही ग्रह उस भाव का स्वामी हो जाता है। अब मैं पहले राशियों का स्वामी बता देता हूँ, फिर आपको कुंडली पर लेके चलूँगा। जैसे सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह जो हैं सिर्फ एक राशियों के स्वामी हैं, शेष सभी ग्रह दो दो राशियों के स्वामी हैं। सूर्य किस राशि का स्वामी है? याद करिए, सिंह राशि का स्वामी है, जिसे कुंडली में 5 नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। यानी किसी भी कुंडली में जहां 5 नंबर की गिनती लिखी होगी वह घर किसका होगा? सूर्य का। कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है 12 भावों में, यानी इसकी गिनती क्या है? 4। यानी कुंडली में जहां कहीं भी 4 नंबर की गिनती लिखी होगी उसका स्वामी कौन सा ग्रह होगा? चंद्रमा। मंगल को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मंगल 1 नंबर और 8 नंबर की राशि का स्वामी है। सूर्य और चंद्र को छोड़ करके सभी ग्रहों को 2-2 राशि का स्वामित्व प्राप्त है। अब मंगल 1 मतलब होता है मेष, मैं इधर लिख देता हूँ, मंगल स्वामी है मेष का, और 8 नंबर मतलब होता है वृश्चिक, यानी मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है। अभी मैं इसको लिख के भी आपको बता दूंगा, अभी सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। बुध जो है 2 राशियों में 3 और 6 नंबर,
तीन नंबर को क्या बोलते हैं मिथुन, और छह नंबर को क्या बोलते हैं कन्या बोलते हैं। यानी कुंडली में जहां भी तीन नंबर की गिनती लिखी होगी और छह नंबर की गिनती लिखी होगी उस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हो जाएगा, बुध हो जाएगा। इसी प्रकार से शुक्र नौ नंबर की गिनती और बारह नंबर की गिनती का स्वामी होता है। कुंडली में जहां कहीं भी नौ नंबर बारह नंबर लिखा होगा, यानी नौ मतलब धनु और बारह मतलब मीन, इन दो राशियों का स्वामी कौन सा ग्रह हो जाएगा, गुरु। दो नंबर और सात नंबर, दो मतलब होता है वृषभ और सात मतलब होता है तुला। कुंडली में जहां कहीं भी दो नंबर और सात नंबर की गिनती लिखी होगी उसका स्वामी कौन सा ग्रह होगा, शुक्र होगा। कुंडली में जहां दस नंबर और ग्यारह नंबर की गिनती लिखी होगी उस घर का स्वामी शनि। दस मतलब क्या होगा, मकर, और ग्यारह मतलब क्या होगा, कुंभ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कुंडली में किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, ये कैसे पता चलेगा। यही जो गिनतियां लिखी होंगी उस गिनती से कुछ राशि बनती है, उस राशि का स्वामी याद करिए चाहे गिनती का स्वामी याद करिए, वही ग्रह उस भाव का क्या हो जाता है, स्वामी हो जाता है। अब इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस पर थोड़ी सी एक्सरसाइज में कराना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस आपकी। देखिए, एक नंबर और आठ नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह है, मंगल है। दो और सात नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है, शुक्र है। तीन और छह नंबर की गिनती का स्वामी ग्रह कौन सा है, बुध है। और पांच नंबर की गिनती का स्वामी ग्रह कौन सा है, सूर्य है। चार नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, चंद्रमा। 10 और 11 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, शनि। 9 और 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह है, गुरु। तो ये पता चल गया कि किस गिनती के यानी किस राशि के स्वामी कौन से ग्रह होंगे। ये चार नंबर की गिनती का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, चंद्रमा। पांच नंबर का सूर्य। ये आपको पता चल गया। अब मैं ये कुंडली बनाऊंगा और आप लोग बताएंगे कि इस कुंडली में किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। ये कुंडली आपके सम्मुख में ड्रा कर रहा हूँ। ऐसे आप और भी कुंडलियाँ ऑनलाइन डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए या खुद से बनाइए और फिर आप लोग स्वयं बताएंगे। मैं यहाँ पे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो चार पाँच छः ग्रहों को भी प्लेस कर देता हूँ, बुध शनि गुरु सूर्य शुक्र बुध राहु को यहाँ ले लेते हैं, केतु को यहाँ ले लेते हैं, चंद्रमा महाराज बचे हुए हैं, चंद्रमा को यहाँ कर देते हैं, मंगल मंगल को भी कहीं पर प्लेस कर देते हैं। ये हो गए हमारे सारे ग्रह, दो दो चार दो छः दो आठ और 9 10 कोई ग्रह रिपीट हुआ है देख लेंगे। चलिए, इसमें आपको ऐसे देखना है, इस कुंडली में बुध रिपीट हुआ है, बुध यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि ये सूर्य के पास ही रहता है इस कुंडली में। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले पहला घर कौन सा है, ये है पहला घर, ये नहीं है जहाँ एक नंबर की गिनती लिखी है वह पहला घर नहीं है, पहला घर ये है, ओके। चलिए, पहले घर में कौन सी राशि है यानी पहले घर का स्वामी कौन सा ग्रह है, ये आपको बताना है। पहले घर का स्वामी, पहला घर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पहले घर का स्वामी कौन सा ग्रह है बताना है। पहले घर में कौन सी गिनती लिखी है, सात नंबर। सात नंबर मतलब क्या होता है, तुला, आपको पहले से याद होना चाहिए। सात नंबर मतलब तुला, तुला का स्वामी कौन सा ग्रह है, शुक्र। यानी इस घर का स्वामी, पहले घर का स्वामी कौन सा ग्रह है, शुक्र। लेकिन गुरुजी शुक्र तो वहाँ पर लिखा नहीं है, शुक्र तो कहीं अलग लिखा है, यहाँ लिखा है। वह ग्रह कहीं भी हो इससे मतलब नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रह अपने ही घर में रहे। आप हमेशा अपने घर में रहेंगे यह ज़रूरी नहीं है। मेरा एक घर है, मैं अपने घर में भी रहता हूँ, फिर मैं दिल्ली मुंबई भी जाता हूँ, अपने मित्रों के घर भी जाता हूँ, नात रिश्ते में जाता हूँ, कभी कभी दुश्मनों के घर भी जाना पड़ सकता है जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ है कंप्रोमाइज़ करने या किसी कारण से।
तो यह जरूरी नहीं है कि ग्रह अपने ही घर में रहेगा, यानी इस घर का स्वामी 7 नंबर मतलब तुला, इस घर का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र है। पहले घर का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? शुक्र, पहले घर का। दूसरे घर का और फिर ये देख लेंगे, स्वामी शुक्र हुआ तो बैठा कहाँ है? छठे घर में बैठा है, ठीक, कोई जरूरी नहीं है उसी घर में रहे। दूसरे घर का स्वामी निकालिए, दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है? 8 नंबर। 8 नंबर मतलब क्या होता है? वृश्चिक, आपको अब तक याद हो गया होगा। 8 नंबर मतलब क्या होता है? वृश्चिक। और वृश्चिक राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल। 1 और 8 का स्वामी कौन है? मंगल। यानी इस दूसरे घर का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल। जो गिनती लिखी गई है वह गिनती मतलब राशि, राशि का जो स्वामी होगा वही उस भाव का स्वामी होगा। यानी दूसरे घर का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? मंगल हुआ। अब बताइए मंगल बैठा कहाँ है कुंडली में? दूसरे घर का स्वामी मंगल है और बैठा कहाँ है? 5वें घर में बैठा हुआ। 5वां घर कैसे? हमेशा लग्न से ही घर गिनेंगे, ये नहीं है कि दूसरे घर से गिनिए, जो जिसका स्वामी है वहीं से गिनिए, लगन से ही हमेशा गिनेंगे। चलिए तीसरे घर पे आ जाइए, तीसरे घर का स्वामी कौन सा ग्रह है? आप लोग सोचिए, सोच लिए, कौन सी गिनती लिखी है? 9। 9 मतलब क्या होता है? धनु। धनु राशि का स्वामी कौन सा होता है? 9 का स्वामी कौन सा होता है? गुरु। यानी इस तीसरे घर का स्वामी ग्रह कौन सा है? गुरु है। और गुरु किस घर में बैठा है? 10वें भाव में। लगन से ही गिनेंगे, यानी तीसरे घर का स्वामी इस कुंडली में 10वें घर में बैठा हुआ है। बोलना आ रहा है ना? धीरे धीरे आएगा, सब आएगा। पहले तो आपको घर देखना आ गया, फिर उसके बाद किस घर में कौन सी राशि है ये देख लिए। जैसे यहाँ लगन में कौन सी राशि है? 7 नंबर मतलब तुला, तो ऐसे बोलेंगे आपकी तुला लगन है। 8 नंबर होता तो उस व्यक्ति को आप बता सकते कि आपकी वृश्चिक लगन है। 12 नंबर की गिनती, पहले घर में जो राशि होगी वही राशि व्यक्ति की क्या होगी? लगन होगी। और जिस घर में चंद्रमा बैठा होता है वो व्यक्ति की राशि होती है। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 6 नंबर की गिनती में। 6 मतलब क्या होता है? कन्या। चंद्रमा जिस राशि में होगा वही व्यक्ति की राशि हो जाएगी। कन्या राशि में चंद्रमा है तो ये इनकी राशि है। अगर चंद्रमा 1 नंबर में बैठा होता तो इनकी राशि क्या हो जाती? 1 नंबर मतलब मेष, यानी इनकी राशि कौन सी हो जाती? मेष। तुला लगन और मेष राशि, लगन में जो गिनती है उसको लगन करके बोलेंगे और चंद्रमा जिसमें बैठा हुआ है उसको राशि करके बैठेंगे बोलेंगे। 4वें भाव पर आ जाइए, 4वें भाव में कौन सी गिनती लिखी हुई है? 10। 10 नंबर मतलब क्या होता है? मकर। 10 का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? शनि होता है। 10 का स्वामी कौन है? शनि। यानी इस 4वें घर का स्वामी इस कुंडली में कौन सा ग्रह है? शनि है, जो कि 4वें ही घर में बैठा है। यानी यहाँ पे जो ग्रह अपने घर में बैठा होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वागृही। स्व माने अपना, गृही माने घर। जो ग्रह अपने ही घर में बैठा होगा उसे क्या बोलेंगे? स्वागृही बोलेंगे। आगे टर्म में आपको और चीज़ें समझ में आएगा, शत्रु गृही, मित्र गृही, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। 5वें घर में कौन सी राशि लिखी हुई है? 11 नंबर। 11 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? शनि। यानी इस 5वें घर का स्वामी ग्रह कौन सा है? शनि है, जो कि अपने घर में बैठा है दूसरी राशि में। ये दोनों घर शनि के हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक बार में एक ही घर में हो सकता। मेरे पास 2 घर हैं तो मैं एक ही समय में दोनों घर में नहीं रह सकता, तो इस राशि का स्वामी शनि है। यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, 12 का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? गुरु। यानी 6वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? गुरु। और वह 6वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? 10वें भाव में। आप बताइए लगन का स्वामी कहाँ बैठा है? लगन मतलब 7, 7 मतलब तुला, तुला का स्वामी कौन होता है? शुक्र। लगन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ आप लोग बताइए? 6वें भाव में। चलिए 8वें भाव पे, ऐसे आप स्वयं से प्रैक्टिस करें, मेरा काम पथ प्रदर्शन करना है, टॉर्च दिखाना है, चलना तो आपको है। यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? 2 नंबर मतलब वृषभ राशि। 2 का स्वामी शुक्र, यानी इस 8वें घर का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा है? 6वें भाव में। 8वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? 6वें भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस पे प्रैक्टिस करिए कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, और कुंडली में अब आपको चीज़ें रखना आ गई होंगी। आपको भाव पता चल गया, किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है ये पता चल गया,
किस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है ये आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा व्यक्ति की लग्न और राशि कौन सी होती है ये आपको पता चल गया है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और है, इस चीज़ को अगर आप बेसिक से ही सीख रहे हैं, एकदम नए नबेले हैं ज्योतिष में, तो आपको वीडियो बार बार देखना है। और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, मैं हर बार 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 आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को देखिए, सुनिए, फिर अपनी तरफ से नोट्स भी बनाइए। ऐसा नहीं है कि जो नोट्स हमारी तरफ से मिला है डेट्स इनफ, वो तो इनफ है ठीक, लेकिन उसको मैंने अपने बुद्धि विवेक से लिखा है। जब आप स्वयं लिखेंगे तो आपका स्वयं का बुद्धि विवेक प्रयोग होगा, और जो चीज़ लिखने में, पढ़ने में, करने में आप स्वयं बुद्धि लगाते हैं ना, तो बुद्धि वाला जो मोटर है वो चलने लगता है, तो वो चीज़ें बुद्धि में याद हो जाती हैं। बुद्धि मैंने लगा के लिखा तो मुझे याद है, जब आप स्वयं भी बुद्धि लगा के लिखेंगे तो आपके भी दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम चर्चा कर रहे हैं भाव और राशि और ग्रह की। तो इसमें हमने आपको भाव के बारे में बता दिया, और मैंने आपको भाव के बारे में भावेश निकालना बता दिया कि किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा और वह कहाँ बैठा ये कैसे जानेंगे। अभी राशियों के बारे में भी आपको बता दिया कि किस राशि को किस प्रतीक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। ग्रह के बारे में बता दिया कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी और किस चीज़ का कारक है। अभी और चलेंगे, अभी हम ये देखेंगे, अभी ग्रहों के बारे में ही देखिए। हर ग्रह के ये जो राशियाँ होती हैं, ये जो राशियाँ हैं ये किसकी होती हैं, ग्रह की। जब राशि ग्रह की होती है तब इसी चीज़ से पता चलता है कि ग्रह किस भाव का स्वामी है, किस भाव में उसका आधिपत्य है। जो राशि जिस भाव में होती है उस राशि का स्वामी भाव का स्वामी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे ग्रहों की स्थिति लिखूँगा। देखिए, ग्रह जो होते हैं अपने घर में हो सकते हैं, जिसको स्वग्रही बोलते हैं या स्वराशि बोलते हैं। ग्रह अपने घर में होगा तो स्वाग्रही, ग्रह अगर उच्च के घर में होगा तो उच्च ग्रही। ये क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे, इसको उच्च बोलते हैं। और एक होता है नीच। ये तीन टर्म अभी आपको याद करने हैं, इसके अलावा और भी टर्म होते हैं, शत्रुग्रही, मित्रग्रही, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, स्वाग्रही कब होता है, जब कोई ग्रह अपने घर में हो, यानी अपनी राशि में स्थित ग्रह। जब कोई ग्रह अपनी राशि में होगा तो वह स्वाग्रही होगा। सूर्य किस गिनती का स्वामी है, 5 नंबर, यानी सिंह राशि का स्वामी है। अगर किसी की कुंडली में जहां सूर्य लिखा है वहीं अगर 5 नंबर की गिनती लिखी हो, यानी जहां 5 नंबर लिखा है वहीं पर सूर्य बैठा है, तो सूर्य क्या होगा, स्वाग्रही होगा, स्वराशि का होगा। शनि किस गिनती का स्वामी है, 10 और 11 नंबर की गिनती का स्वामी है। कुंडली में जहाँ कहीं भी 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है, अगर उसी गिनती पर शनि बैठा हुआ है तो वो स्वाग्रही है। यानी जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है उसी राशि में बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्वाग्रही हो जाएगा। और एक होता है उच्च और नीच। जैसे मान लीजिए शनि 10 नंबर का स्वामी है और 11 नंबर का स्वामी है, ये दोनों इसके घर हैं, और एक ये इसके अपने घर हैं, अपना बनाया हुआ अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त, और ये जो उच्च राशि होती है यह ग्रह के द्वारा जीता हुआ घर होता है, जिस पे उसने अपने बुलंदी का झंडा लगाया होता है, तो इसी को उच्च राशि बोलते हैं। और नीच राशि वह राशि होती है जिसे कोई ग्रह हारा रहता है, जिसे किसी ग्रह ने युद्ध में गंवा दिया है, इस प्रकार से समझे। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, सूर्य ग्रह की ही हम चर्चा करते हैं, तो सूर्य स्वाग्रही कहाँ हुआ, 5 नंबर सिंह राशि में, और यही सूर्य उच्च का हो जाता है 1 नंबर, यानी जब मेष राशि में हो। कुंडली में कहीं भी 1 नंबर की गिनती पर सूर्य होगा तो उच्च का होगा, और जब यही सूर्य कुंडली में कहीं 7 नंबर यानी तुला राशि में होगा तो नीच का होगा। कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझिए, कोई भी ग्रह अपने घर में है
तो कोई भी ग्रह अपने घर को बिगाड़ता नहीं है, कोई भी ग्रह अपने घर में होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, यह उसका अपना बनाया घर है। अब मेष जो राशि है इसमें सूर्य उच्च का हो जाता है, यानी मेष राशि को सूर्य ने जीता हुआ है। मान लीजिए एक पार्टी आप हैं, एक पार्टी मैं हूँ, आप राजा हैं मैं भी राजा हूँ, और हम दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, और मैं आपके किले को जीत लेता हूँ। आपको पराजित करना, पहले के समय में किला ही जीता जाता था, किले पे ही सारी भीड़ फौज किले की ही रक्षा की जाती थी, तो मैं आपका किला जीत लेता हूँ। तो जब मैं आपका किला जीतूँगा तो उस किले पे क्या करूँगा, अपना झंडा फहरा दूँगा, और वो किला जो मैंने जीता हुआ है वो मेरी जीती हुई राशि, यानी ये तो जो मेरी स्वराशि थी ये तो मैंने अपने आप बनाया, लेकिन जब मैं किसी चीज़ को जीतता हूँ यानी किसी को पराजित करके पाता हूँ तो उससे नाम फैलता है कि अरे फला व्यक्ति ने फला को पराजित किया, भारत ने इंग्लैंड को हराया। आप स्वयं क्रिकेट खेल लीजिए, गली क्रिकेट खेलिए, नाम नहीं होता, लेकिन भारत ने इंग्लैंड को हराया क्योंकि वहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है वहाँ पर किसी को हरा करके, यानी आप वहाँ पर यह साबित करते हैं कि अगले व्यक्ति से मेरी क्षमता अधिक थी। जहाँ आप अपनी क्षमता बाहुबल को अधिक साबित करके जो चीज़ प्राप्त करते हैं वो कौन सी राशि है, उच्च की राशि है। यानी उच्च राशि में जब कोई ग्रह होता है तो वह गर्वित होता है, वह पराक्रमी होता है, क्योंकि युद्ध में हराया है तो बिना जीता हुआ है, तो बिना पराक्रम के बिना बल के वह पराजित नहीं करेगा, और उसे क्या होता है, अभिमान होता है, अरे मैंने जीत लिया। तो उच्च की राशि का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नीच राशि जो होती है ग्रह की, इसी का ठीक उल्टा है। नीच राशि किसी ग्रह की वह राशि होगी, आप मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये जो मैं युद्ध वगैरह बता रहा हूँ ये कोई शास्त्रीय विधान है कि ग्रह आपस में लड़े हारे और जीते, मैं सिर्फ नेचर समझाना चाह रहा हूँ। नेचर ऑफ द प्लैनेट इन अ स्पेशल साइन, किसी विशेष राशि में किस प्रकार का स्वभाव होगा ग्रहों का। यहाँ स्वराशि का है, अपने घर में है, अपना बनाया रह रहा है, यानी ये स्वराशि में ग्रह सुखपूर्वक स्थिर रहता है। उच्च राशि में ग्रह पराक्रम दिखाता है और नीच राशि में ग्रह का पराक्रम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, नीच राशि सूर्य की तुला राशि है 7 नंबर की गिनती में, यानी तुला राशि का सूर्य जो है वो अपना किला हार गया है, इस राशि में उसे पराजय का सामना करना पड़ा है। तो यानी सूर्य जो है, जैसे मैंने आपको पराजित कर दिया, हमारी और आपकी भिड़ंत हुई, मैंने आपको पराजित किया, तो आपको कैसा फील होगा। एक पराजित व्यक्ति के अंदर जो फीलिंग होती है, बेचारा परेशान रहता है, निराश रहता है, हार गया मैं, मेरी बदनामी हो गई, मतलब उस समय उस व्यक्ति की क्षमता वगैरह में सब कुछ, बुद्धि विवेक सोचने की क्षमता, वह व्यक्ति क्या होता है, आकुल व्याकुल रहता है, डिस्ट्रेस्ड रहता है। तो नीच ग्रह में कोई ग्रह होगा, नीच राशि में कोई ग्रह होगा तो वही स्थिति होगी, उच्च राशि में होगा तो विजयी राजा की तरह, नीच में हारे हुए राजा की तरह, स्वाग्रही मतलब अपने घर में बैठे हुए व्यक्ति की तरह, हम लोगों की तरह। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोई ग्रह अगर उच्च का होगा, नीच का होगा, स्वाग्रही होगा तो क्या रिजल्ट देगा। इसके बारे में आपको नोट्स मिले हुए हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का है, किस राशि में नीच का है, किस राशि में मित्र के घर का है, किस राशि में शत्रु के घर का है। तो मित्र और शत्रु का कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़ा सा अभी ही कवर कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मित्र और शत्रु को समझाने का मैं एक बहुत ही आसान फार्मूला बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल फार्मूला। हमारे पास 9 ग्रह हैं, एक सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है, बुध है, शुक्र है, शनि है और राहु है और केतु भी है। ये हमारे पास ग्रह हो गए, ठीक। इनमें से इन 4 ग्रहों का एक ग्रुप है, सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु का एक ग्रुप है, बुध शुक्र शनि राहु का एक ग्रुप है, केतु किसी ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, हालांकि मिलता जुलता इन्हीं से है लेकिन इसे नहीं शामिल करेंगे,
क्योंकि वह किसी के केतु किसी के साथ में बहुत शत्रुता और मित्रता का भाव नहीं रखता है, हालांकि है इन्हीं के प्रकृति का, लेकिन जो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है मैं उसी के बारे में ही बात करूंगा। देखिए सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु ये आपस में परस्पर मित्र हैं और ये परस्पर मित्र हैं, ठीक है, ये परस्पर मित्र, ये परस्पर मित्र, ये ग्रह जो हैं इनके शत्रु हैं और ये ग्रह इनके शत्रु हैं। यानी ग्रहों की शत्रुता मित्रता का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ग्रह किस राशि में कितना कंफर्ट फील करता है। आप अपने घर में हैं तो एकदम से कंफर्ट फील करते हैं, पैर पे पैर रख के बैठ जाएंगे, पैर दोनों उठा के सोफे पर बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, नॉर्मल वस्त्र पहन के रहेंगे, कुछ भी मांग खा लेंगे, कहीं मिठाई रखी हुई है निकाल के खा लिए अपने घर में। लेकिन किसी दूसरे के घर में जाएंगे तब वहाँ पे मांग के खाएंगे, या हो सकता है बिना मांगे मिल जाए, या हो सकता है मांगने पर भी ना मिले, तो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना। तो जब भी कोई ग्रह अपने मित्र के घर में होता है तो वो कंफर्ट जोन में होता है, उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे जरूरत का ख्याल रखा जाएगा, सोने के लिए बिस्तर, खाने के लिए भोजन दिया जाएगा, जो ये लोग खाएंगे पिएंगे, कोई मेरे ऊपर दिक्कत आएगी तो उससे मुझे हेल्प भी करेंगे। तो कोई भी ग्रह जब मित्र के घर में होता है तो अच्छा माना जाएगा, यानी वो कंफर्ट जोन में होता है, और कोई भी ग्रह जब अपने शत्रु के घर में होता है तो वह अनकम्फर्ट होता है, तो वह अनकम्फर्ट होगा। जैसे ये ग्रह सूर्य की राशि कौन सी है, 5, चंद्रमा की 4, मंगल की 1-8, गुरु की 9-12। तो अगर सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु इन्हीं में से किसी राशियों में होते हैं तो परस्पर मित्र के घर में होते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रह नीच राशि में है तो वहाँ पे मित्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि नीच राशि वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर कोई ग्रह उच्च का है तो वहां पे शत्रु का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, बल्कि उच्च का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पे देखिए, अगर सूर्य जो है चंद्रमा के घर में, मंगल या गुरु के घर में होगा तो मित्र के घर में, चंद्रमा इसी प्रकार से इनके घर में, मंगल इनके, गुरु इनके, यानी ये परस्पर एक दूसरे के घर में है तो मित्र के घर में है, उसी प्रकार से ये एक दूसरे के घर में है तो मित्र के घर में है। बुध मतलब क्या हो गया, 3-6, शुक्र मतलब 2-7, शनि मतलब 10 और 11। अगर बुध शुक्र शनि राहु अगर परस्पर इन्हीं घरों में बैठे हुए हैं तो वे मित्र के घर में होते हैं। अब जैसे शुक्र है, शुक्र 6 नंबर की गिनती पर नीच का होता है, तो अब नीच होने पर मित्र का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, उसे नीच का मानेंगे ना कि मित्र के घर का मानेंगे। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इस ग्रुप के ग्रह इस ग्रुप वाली राशि में जाएं तो शत्रु राशि में, इस ग्रुप के ग्रह इधर आ जाएं तो शत्रु राशि में माने जाते हैं। इसके अलावा तात्कालिक मैत्री वगैरह भी होती है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे जब हम आपको थोड़ा सा ज्ञान पंचांग का देना शुरू करेंगे, पंचांग देखना सिखाएंगे तब की बात रहेगी। तो ये ग्रहों के शत्रु मित्र का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उच्च और नीच का भी कॉन्सेप्ट आपको ग्रहों के समझ में आया होगा। तो ग्रह के बारे में हमने आपको बहुत सारी डिटेल दे दी, भावों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, अभी राशियों के बारे में कुछ बचा हुआ है कि ग्रहों के बारे में, राशियों और भावों के बारे में बचा हुआ है कि ये लोग किस दिशा के स्वामी हैं, किस तत्व के हैं, इसके बारे में भी अभी आपको सीखना है। पहले आप इतने कार्यक्रम जो अभी आपने देखा इस पर पहले आप प्रैक्टिस कंप्लीट करिए।